हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। गणितीय शिक्षण शास्त्र में हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह स्ट्रॉन्ग करें, इस चैनल पर बने रहें और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस आप करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कक्षा में कौन सा कार्य एक गतिविधि के रूप में हो रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य एक गतिविधि के रूप में हो रहा है। तो देखना है कि बच्चों का अन्वेषण में लगना, अन्वेषण यानी खोज में लगना, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, या बच्चों द्वारा श्यामपट से निकल करना। तो फ्रेंड्स, हमने देखा होगा कि अगर बच्चे कविता के रूप में गिनती का वाचन करते हैं तो वहाँ पर एक गतिविधि होती है, वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, यह कथन किसका है। फ्रेंड्स, तो मूल्यांकन के लिए जो बात कही है कि सही ढंग से वस्तु का मापन जिसमें होता है, ये कहा है गुड्सी ने। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, मूल्यांकन जो होता है वो गुड होता है ना, हमें कोशिश करनी है कि मूल्यांकन हमारा अच्छा हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की संकेंद्री पद्धति की विशेषता है। तो फ्रेंड्स, संकेंद्री पद्धति सरल से कठिन की ओर चलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित पढ़ाकर हम बच्चों की मस्तिष्क द्वारा सोचने व समझने की प्रक्रिया को इस ढंग से प्रशिक्षित करना चाहते हैं कि वे देखे समझे प्रदत्त आंकड़ों को जाने। तो समस्या, इसका राइट आंसर समस्या, कि हम बच्चों का जो माइंड है उसे सोचने समझने के लिए, है ना, वह इस चीज़ को जानेगा कि इसके पीछे आखिर क्या कारण है, तो समस्या को सॉल्व करता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने के लिए उपयोगी परीक्षा पद्धति है इनमें से, है ना। तो उपयोगी परीक्षा पद्धति है ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक, मंदबुद्धि छात्रों के लिए। उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर कमजोर है बच्चे, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं वो चीज़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, आप पढ़िए। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके, उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देखकर, या एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह में रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, या हम कह सकते हैं कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, एक साथ तो नहीं रख सकते, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह में रहकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ठीक है, तो गणित में सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसका एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किससे प्राप्त होता है। तो गणित शिक्षण में, गणित पढ़ाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान लिखित कार्य में संशोधन से, यदि क्योंकि लिखित को सबसे ज़्यादा वहाँ पे महत्व दिया जाता है। हमने बच्चों को जो भी सिखाया है क्या वह उसे कर पा रहा है, चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो घटाना हो, संक्रियाएँ हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे वो भाग हो, तो हम उसके लिखित कार्य में संशोधन देख कर करेंगे कहाँ पर वह गलती कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में करता है। तो फ्रेंड्स, अज्ञात से ज्ञात की ओर आगमन विधि है, वहाँ पे हम क्या प्रदर्शित करते हैं, पहले उदाहरण फिर नियम बताते हैं, तो पहले हम अज्ञात रहते हैं ना, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसके अनुसार गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। तो गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, ये कहा है नेपोलियन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिए आप, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है, क्वेश्चन है। तो गणितीय भाषा के विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या है कि गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, समझाना। ठीक है, क्या क्या क्रियाएँ होती हैं, अगर हम ये बच्चे को डे बाय डे और एक लाइन के थ्रू समझा देते हैं तो वो उसे जल्दी पकड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं व जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञात से ज्ञात की ओर यहाँ पर, यहाँ आगमन विधि तो नहीं है लेकिन उसकी एक अनुरूप विधि है विश्लेषणात्मक विधि जो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। तो गणित शिक्षण के साथ जो मासिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसका मतलब क्या है? छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर देना, बार बार करने के अवसर देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से, फ्रेंड्स गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। केवल आया मतलब ये गलत होगा। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है ऐसा नहीं है, हम ऐसी धारणा नहीं बना सकते हैं। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये भी गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति गणित सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं? तो दी गई समस्या का समाधान है, ठीक है, सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं, ये कहा है योकम एवं सिंपसन ने समस्या समाधान के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निबंधात्मक मतलब डिटेल वाले क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी कमी होती है, तो सब इसमें क्या नहीं होता है? तो फ्रेंड्स ये तो आप देखकर जान गए होंगे, ये वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, ये दोनों चीज़ें उसमें शामिल नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च क्रमी चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। उच्च क्रमी चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न कौन से हैं? तो इसमें लिमिटेशंस बताई गई हैं कि कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास एवं संज्ञान उच्च क्रमी चिंतन कौशल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे गणितीय पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ऐसे आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।